जबलपुर के जिला अस्पताल में लोकायुक्तों ने छापामार कार्रवाई की। अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ जिला लेखा प्रबंधक श्रद्धा ताम्रकार को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता सुनील कुमार मिश्रा का 13,24,000 रुपए का बिल बकाया था, जिसे पास करने के लिए 1,00,000 रुपए की मांग की गई थी। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग में लगी गाड़ियों के ठेकेदार सुनील मिश्रा के लगभग 13,00,000 बिल बाकी थे, जिसे पास करने के लिए लेखा प्रबंधक ने 1,10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बताया जा रहा है कि उसके पास से 80,000 रुपए मिले हैं। साथ ही लोकायुक्त ने टीम का गठन करते हुए श्रद्धा को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। हमारा गाड़ियों का पेमेंट है, यहाँ के हम टेंडर हमारा है, वेंडर है हम यहाँ के, तो एक करीब 13,00,000 रुपए करीब बैलेंस है हमारा, उसके अवज में इनको 1,10,000 रुपए की डिमांड की हुई है। वो पेमेंट के लिए हम बहुत काफ़ी दिनों से परेशान करके रखा है। इनकी जिला जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर गाड़ियाँ चलती है, जिसका पेमेंट जिला लेवल से निकलता है। यहाँ पदस्थ हैं श्रीमती श्रद्धा ताम्रकार, जिला लेखा प्रबंधक हैं। इनके द्वारा इनके लगभग 13,24,243 रुपये के बिल निकालने के लिए 1,10,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। आज हम लोगों ने उन्हें 80,000 रुपये लेते हुए पकड़ा है।